हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखी गई एक पोएम ए प्रिजन इवनिंग करने जा रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ एक पाकिस्तानी पोइट थे। उन्होंने यह पोएम उर्दू भाषा में लिखी थी, लेकिन बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। उन्होंने अपनी यह पोएम तब लिखी थी जब 1950 में उन्हें जेल हो गई थी और वो जेल में थे, तो उन्होंने जेल के जो एक्सपीरियंस थे उनके बारे में इस पोएम में लिखा है। यह 20 लाइन्स की पोएम है और यह बहुत ही शॉर्ट टाइप पोएम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। बाय इवनिंग डेवियस स्टार्स, यानी कि शाम का समय है और जो चलाक तारे हैं, रंग बाय रंग नाइट इज़ कमिंग डाउन। जैसे जैसे रात हो रही है वो आसमान में धीरे धीरे से उतर रहे हैं, यानी कि आसमान में तारों का आवरण छा रहा है जैसे जैसे रात हो रही है। ए ब्रिज पासिस क्लोज बाय, ब्रिज का मतलब होता है समीर, यानी कि जो ठंडी हवा है वो, यानी कि पोइट के पास से ठंडी हवा गुजरी। एज इफ समवन हैज स्पोकन ए वर्ड ऑफ लव, और ऐसा लगा कि किसी ने प्यार का कोई शब्द पुकारा हो। इन द प्रिजन यार्ड ट्रीज, यानी कि जेल के आंगन में पेड़ पौधे हैं, विद नो नेटिव लैंड, लेकिन वहाँ पर मेरी लैंड से रिलेटेड या फिर मेरा कोई सगा संबंधी जेल में मेरे पास नहीं है। हेड ड्रॉपिंग आर अब्जॉर्ब्ड इन मेकिंग, यानी कि मेरा जो दिमाग है वो इस समय पर मग्न है, या फिर ये कह लो कि मेरा दिमाग बिजी है इन मेकिंग, बनाने में। ऑन द स्किर्ट ऑफ हेवन इमेजेस एंड पिक्चर्स, यानी कि हेवन की इमेजेस और पिक्चर्स बनाने में, यानी कि इमेजिनेशन में जो मेरा दिमाग है वो लगा हुआ है। ऑन द क्रस्ट ऑफ द रूफ इज ग्लिटरिंग, यानी कि मेरी छत का जो शिखर है वो चमक रहा है। द ब्यूटिफुल हैंड ऑफ ग्रेसियस मून लाइट, जब उस पर चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है, यानी कि चांद की चांदनी जैसे ही मेरे घर की छत पर पड़ रही है तो वो उसे चमक रहा है। द सीन ऑफ द स्टार्स हैज़ डिसोल्ड इन टू डस्ट, यानी कि तारों की जो चमक है उसके कारण जो डस्ट है वो चमक रही है। जैसे हम देखते हैं खिड़की से जैसे चांद की चांदनी आती है, तो उसके कारण जो धूल होती है वो चमकने लग जाती है, तो उस दृश्य को पोइट दिखा रहा है। द ब्लू ऑफ द स्काई हैज़ डिसोल्ड इन टू लाइट, मतलब आसमान का नीला रंग रात की चांदनी में बदल गया है। इन ग्रीन कॉर्नर्स डार्क ब्लू शेडोज, यानी कि कमरे के जो ग्रीन कॉर्नर्स हैं और उसके अंदर इस रोशनी के पड़ने के कारण जो नीली नीली शेडोज बन गई है। वी वर एज इफ इन टू द हार्ट, वो मेरे दिल में पुराने दुख को फिर से हरा कर रही है। ए रिपल ऑफ पेन फॉर सेपरेशन फ्रॉम द लव्ड वन वर कमिंग, यानी कि मेरे दिल में किसी से दूर होने का जो दर्द है वो ये जो रोशनी है वो पैदा कर रही है। ए थॉट कॉन्स्टेंटली सेज टू माई हार्ट, एक विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मेरे दिल से बार बार कह रहा है। लाइफ इज सो स्वीट दिस मोमेंट, कि मेरी जो लाइफ है इस मोमेंट पर, इस अक्षण जो मेरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। द मिक्सर्स ऑफ ट्राइनी पॉइजन, ट्राइनी पॉइजन का मतलब होता है अत्याचार, यानी कि इस जेल में जितने अत्याचार मुझ पर किए जा रहे हैं, विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुल टूडे नोर टुमारो, वो सारे ना तो आज सक्सेसफुल होंगे और ना ही कल, क्योंकि मेरा जो दिमाग है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। मतलब ये लोग जितने भी मुझ पर अत्याचार कर ले, मेरा दिमाग इनसे कभी नहीं हारेगा, मेरी जो इमेजिनेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। द लैम्प्स ऑफ द ब्राइडल चैम्बर ऑफ यूनियन, ब्राइडल चैम्बर का मतलब होता है वह कमरा जो लवर्स के मिलने के लिए बनाया गया है, यानी कि उस कमरे में बहुत सारे लैम्प्स लगे होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं। इवन इफ़ दे हैव पुट देम आउट व्हाट देन, यानी कि यदि वे लोग उस कमरे से उन लैम्प्स को उतार लेंगे तो क्या जो लवर्स है वो मिलेंगे नहीं, यानी कि वो सोच रहे हैं कि उन लैम्प्स को उतार कर वो लवर्स को अलग अलग कर देंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। वर दे टू एक्सटिंग्यूज द मून व्हेन वी शुड एक्नॉलेज देम, इसके अंदर पोइट ये कहना चाहता है कि वो वहाँ से लैम्प तो उतार सकते हैं लेकिन वो आसमान से चांद नहीं उतार सकते, वो चांद तो उनको रोशनी देगा ही।
और लास्ट की इन दो लाइनों में पोइट ये कहना चाहता है कि यदि वो लोग चांद को भी रोशनी देने से मना कर देंगे तो मैं उन लोगों को मान लूँगा, यानी कि वो असल में कुछ कर सकते हैं, मैं ये बात मान लूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।